राइशा नाजर, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने लगी हूँ जो कि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, एक ऐसा मौजू है जिसने हम में से बहुत सारे लोगों के दिलों पर एक बोझ और एक गुबार बनाया हुआ है। मैं बात कर रही हूँ उस अंधोनाक, उस एक कर्बनाक वाक्य की जो बहुत से पाकिस्तान में रहने वालों ने पिछले दिनों में जिसके बारे में खबरें सुनी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। मैं बात कर रही हूँ उस खातून के, मुझे तो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भी शर्मिंदगी होगी, मगर उस खातून के गैंग रेप की जो मोटरवे पर हुआ। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर, चूंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स की भी, मैं अपने कोलीग की भी और इन जनरल भी सोशल मीडिया पर जो भी कमेंट्स चलते हैं, जो डिस्कोर्सेस बनते हैं, मैं उनके ऊपर बगौर एक जायज़ा रखती हूँ। तो मैंने देखा कि जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोगों के मुख्तलिफ रिस्पॉन्स आए। मसलन एक चीज़ जो मुझे एक कहने के मैंने महसूस किया वो ये कि एक ख़ास तबका ख्वातीन का वो था कि जिन लोगों ने मर्दों को ओवरऑल ही बुरा एक पिक्चर उनकी या बुरी तरीके से उनका एक एक रोल बनाकर पेश किया कि जैसे सारे ही मर्द शायद इसी नियत से खातून के पीछे आते हैं कि खुदा ना खास्ता कि वो उसको हरास करेंगे, जबकि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है कि हम में से, ये बात मैं मानती हूँ कि हम में से बहुत सी खवातीन ने और शायद सारी खवातीन ने ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में इस तकलीफ़ दे एहसास को, इस तकलीफ़ दे तजर्बे से गुजरी हों, को उनको हरासा किया गया, लेकिन सारे मर्द ऐसे नहीं हैं। मैं किसी और मैं स्पेसिफिकली डिफरेंट टाइटल्स के ऊपर जो लोगों को कैद कर दिया जाता है कि ये फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, ये ओल्ड फैशन हैं या रिलीजियस फिनेटिक्स हैं, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। एक मुहस्सिब और एक पढ़ा लिखा इंसान, एक सोच रखने वाला, रैशनल सोच रखने वाला इंसान, एक वक्त पर ये भी हो सकता है कि मुझे लिबरल की कोई बात लगे, हाँ इसमें वजन है, दूसरी तरफ किसी एक मौके पर मुझे किसी रिलीजियस फिनेटिक की बात में भी, एक पर्टिकुलर बात में भी वजन महसूस हो सकता है, यानी मुझे उसकी वो बात लग सकती है हाँ कि ये बात तो ये भी जायज कर रहा है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि हमें इस चीज़ से कि सारे ही मर्दों को हमने एक ही पेंट का ब्रश लेकर ऊपर से नीचे तक स्याह पेंट कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ हर ही जाविये से इतना बुरा हो रहा है कि शायद यहाँ पर रहना ही एक नामुमकिन काम है खातून के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप रेप स्टेटिस्टिक्स यानी रेप के शुमारियात इनको ही क्राइटेरिया बनाते हैं तो आप इनको एनालाइज कीजिए, ठीक है, आप इन्हें एनालाइज कीजिए। क्या रेप के वाकयात सिर्फ जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो जो मौलवियों का तबका है या जो औरतों को बहुत ज़्यादा इसमें दबा कर रखा जाता है उन्हीं माशरे में रेप ज़्यादा होते हैं, अब ये इस चीज़ से भी मैं अग्री नहीं करती। आप नंबर्स के साथ इस चीज़ को स्टडी करें, खुद से स्टडी करें कि क्या वाकई ऐसे है, क्या रेप के वाकयात उस जगह पर ज़्यादा हो रहे हैं कि जहाँ पर रिलीजियस किस्म की सो कॉल्ड कहना चाहिए कि शॉर्ट साइटेड रिलीजियस किस्म की एक थॉट जो है वो माशरे में प्रिवेल करती हैं। तो या फिर आप मुख्तलिफ शुमारियात या मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स को उठाइए, उसके बाद आप अपने दलाइल में वजन पैदा कर सकते हैं। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि सब बुरे हैं, ये गलत है, सब अच्छे नहीं हैं, बुरे भी हैं लोग, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में 10% लोग बुरे हैं तो बाकी 90% का क्या, अच्छाई भी तो है ना, तो हमें अच्छाई में भी फोकस करना है। दूसरी तरफ अब वो क्या रहा है कि कुछ जिस तरह हमने कहा कि तंग नज़र रखने वाले कुछ, मैं माजरत के साथ, लेकिन तंग नज़र रखने वाले कुछ मौलाना हजरात की भी ऐसी वीडियोस जो है बहुत वायरल हो गई जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो औरत ये कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके साथ तो कुछ भी करो। भाई अगर आप किसी औरत के
के साथ कुछ भी करेंगे तो हिसाब आपको अपना देना, अल्लाह के आगे जवाब दे आप खुद होंगे। तो ये चीज जहन में रखिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम की तरफ मत टिल्ट हों, अपने आप की अपनी सोच को बैलेंस्ड रखें, अपनी रिसर्च करें, उसके बाद आप स्टेटमेंट्स दें, अपने जज्बात के ऊपर अपनी स्टेटमेंट्स मत दें। सो दिस इज व्हाट द वीडियो इज अबाउट। और मेरी आखिर में ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरे किसी अल्फाज से किसी की दिल आजारी हुई है या अगर आप मेरे किसी अल्फाज से आप मुत्तफिक नहीं हैं तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मगर मेरी नीयत सिर्फ एक इस्लाह की है। शुक्रिया।